बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरबिया से लाइव हूँ जी आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। यार एक भाई ने मुझे कमेंट किया था, अभी मैं पढ़ रहा था कि कमेंट किया हुआ था कि भाई के मेरा भाई कफील से भाग गया था, एक माह हो गया कफील से भागे हुए, तो वो पकड़ा गया तो अभी रियाज जेल में है, तो क्या बनेगा उसका। अच्छा मैं आपको पहले भाई इसके मुतालिक भी थोड़ी डिटेल दे देता हूँ मैं, और पहले आपको ये बता दूँ भाई मैं कि एक पिछले वीक में मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर कर चुका हूँ कि एक पिछले वीक में भाई 12,000 प्लस अफराद पकड़े गए हैं, जिनमें इकाम एक्सपायर वाले, महीना कुछ और, काम कुछ और हदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले। तो भाई अगर आपका भाई या आप खुद हैं जो भी हैं भाई कफील से भाग गया है, ठीक है, अगर इकामा है उस कफील का यानी कि इकामा उस बंदे का बाकी है, तो वो कफील उसके ऊपर भाई कोई भी किसी किस्म का क्लेम अभी भी कर सकता है। तो क्यों भाई कि आप कफील की मर्जी के बगैर जा रहे हैं, खासकर आपने एग्रीमेंट किया हो। हाँ आपका एग्रीमेंट कोई भी नहीं है, एग्रीमेंट खत्म हो गया है, आपके पास इकामा है, आपका इकामा खत्म होने के बिल्कुल करीब है, आप अपने कफील से इजाजत लेकर भाई जा सकते हैं। ये एक बिल्कुल लीगल तरीका है और आदमी बिल्कुल आसान रखता है। हाँ अगर आपका कफील नहीं जाने देता है तो फिर भाई ये होता है, अगर तो आपके भाई का इकामा एक्सपायर था तो फिर तो उसे कोई मुश्किल नहीं है, वो पकड़ा गया है, वो इकामे की सूरत में पकड़ा गया है। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, वो एक इकामा होगा तो उसको 500 रियाल का एक ग्रामा करके छोड़ देंगे। अगर इकामा नहीं था तो कफील का कोई अमल दखल ही नहीं बचा है उसमें, वो भाई आपका छूट जाएगा, 500 रियाल का ग्रामा होगा उसके इकामे के ऊपर, वो जहां चाहे काम कर सकता है, जहां चाहे अपना नकल कफाला करा सकता है, अपना इकामा चाहे नकल कफाला करवाकर किसी और कफील के किसी और कंपनी में भी भाई तजदीद कर सकता है। अगर उसका इकामा था बाकी और वो कफील से भाग गया है तो फिर भाई वो कफील आपके भाई के ऊपर कोई भी किसी किस्म का मसला बना सकता है। मैं मानता हूं अभी सऊदी अरेबिया में कानून बहुत चेंज हो चुके हैं, लेकिन अभी भी आप अपने कफील का अगर इकामा बाकी हो तो उसकी इजाजत के बगैर कहीं भी भागकर नहीं जा सकते हैं। वो आपके भाई के ऊपर कोई भी किसी किस्म का मसला कर चुका है, अगर इकामा आपके भाई का है और उसको भाई जेल में भी 2 से 4 दिन अगर गुजर चुके हैं, इकामा एक्सपायर वाले बंदों को चंद घंटे बाद छोड़ देते हैं, ये भी मैं आपको भाई अपने एक्सपीरियंस से बता रखा हूं। तो मसला जो भी बना होगा, अगर उसको 2 से 4 दिन हो गए हैं, क्योंकि आपका सवाल भाई वाजिया नहीं था इसलिए मैं आपको थोड़ी खोल कर बात कर रहा हूं आपके साथ, तो फिर ये होगा कि आपका भाई जो है ना वो अपने कफील से रब्ता करे, उससे माजरत करे, उसको बोले कि मैं ठीक है तेरे पास वापस आ जाता हूँ, तू ये जो मेरे ऊपर जो भी तूने मसला किया है इसको क्लियर कर और मुझको बाहर निकाल, मैं तेरे पास वापस आ जाता हूँ, काम करते हैं, मुश्किल नहीं है। अगर ऐसे जाना होता तो फिर भाई अपने कफील से सुलह करके उसके राजीनामे से जाता ये बेहतर था, इकामा एक्सपायर होता तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं थी, फिर जहां चाहे नकल कफाला करवा सकता था। अभी तक की जो सूरत हाल है आपके कमेंट के ऊपर जो मुझे जितनी समझ आई है मैंने उसके मुतल्लिक आपको जवाब दे दिया है। उम्मीद है आप भाई को इसके मुतल्लिक यानी कि आप जो देखने वाले हैं आपको भी मुकम्मल तौर पर, यार अगर आपके भी किसी की सलाह वगैरह है भागने की तो आपको भी समझ आ चुकी होगी।